पति पत्नी और वो के इस लव ट्रायंगल की कहानी सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में है। कहानी पति पत्नी की लव स्टोरी की थी, लेकिन अब ये स्क्रिप्ट हेट स्टोरी की हो चुकी है। इस कहानी का दी एंड क्या होगा, इसे लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस हेट स्टोरी की डिमांड हाई है। आलोक, ज्योति और मनीष दुबे के रिश्तों के उलझे रिश्तों के कई पेज तो सामने आ चुके हैं। मनीष दुबे और ज्योति के रिश्तों को लेकर कई खुलासे हो चुके हैं, लेकिन अब भी स्टोरी में सस्पेंस फुल ऑन है। अभी कई सवाल हैं जिनके जवाब लोग तलाश रहे हैं। सवाल ये कि आलोक मौर्य को ज्योति के अफेयर के बारे में कब पता चला? आलोक अचानक से सोशल मीडिया के सामने क्यों आए? आलोक को ज्योति और मनीष दुबे के अफेयर की जानकारी कैसे मिली? क्या भी आलोक की जान को खतरा है? क्या आलोक अंडरग्राउंड है? आज हम आपको हर सवाल का जवाब बताएंगे, एक एक डिटेल बताएंगे, हिट स्टोरी का इन एंड आउट दिखाएंगे। मनीष दुबे और ज्योति मौर्य की मुलाकात की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्योति और मनीष की मुलाकात एक आधिकारिक दौरे में हुई थी, जिसके बाद काम को लेकर एक दूसरे से पहचान बढ़ने लगी। धीरे धीरे दोस्ती परवान चढ़ी और प्यार हुआ और बात अफेयर तक पहुंच गई। ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के बीच रिश्तों की शुरुआत साल 2020 से थी। इस दौरान दोनों के बीच घंटों फोन पर बात होती थी। आलोक ने अपनी शिकायत में कहा है कि दोनों दिन में करीब 15 घंटे बातचीत किया करते थे। एक दिन में 100 बार से ज्यादा एक दूसरे को कॉल करते थे। पहले तो ज्योति कहीं जाती थी तो आलोक को या फिर अपने स्टाफ में से किसी को साथ लेकर जाती थी, लेकिन मनीष दुबे के साथ रिश्ते में आने के बाद वो किसी को भी अपने साथ ले जाने से इनकार करने लगी और यहीं से आलोक को शक होने लगा था। शुरू में एक बार शक तब हुआ जब ये पहले जाती थी तो आलोक को लेके जाती थी या अपने ऑफिसर्स को, जो उनके एम्प्लाइज होते थे, उनको लेके जाती थी। बाद में ये ज्योति जी अकेले जाने लगी तो आलोक को शक हुआ। फिर उसने एक दो बार पीछा किया और कहीं उन्होंने मीडिया में बताया कि हमने उनको कहीं पकड़ा था किसी होटल के सामने, तो फिर वहाँ बहस भी हुई तो वहीं से मामला खुला। तो फिर उसके बाद जो प्रोसेस हुआ, ये 2021 एंड का 2020 एंड और 21 स्टार्टिंग का मामला है, तो ये 2 साल से चल रहा है। और जो अगर आप मानवता के आधार पर देखें तो 2 साल से वो आदमी मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित है। आप समझ लीजिए को ना इतना परेशान है कि ज़्यादा लोगों से इसलिए नहीं बात कर पाता कि परेशानी में आदमी कहीं कुछ जुबान से निकल गया तो कुछ गलत मैसेज चला जाएगा, इसलिए वो ज़्यादा बात नहीं कर पा रहा है, परेशान बहुत है। हमारी इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि आलोक मौर्य ने ना तो ज्योति मौर्य का व्हाट्सएप हैक किया, ना ही कॉल रिकॉर्डिंग चोरी की। आलोक की शिकायत पर होमगार्ड के डीजी ने जो जांच करवाई, उस जांच में खुलासा हुआ है कि ज्योति मौर्य का पुराना फोन घर पर ही पड़ा हुआ था। इस फोन में ज्योति मौर्य का व्हाट्सएप लॉगिन था। इसी फोन से आलोक को अफेयर की इन्फॉर्मेशन मिली। इसी फोन से आलोक को अपने मर्डर की कॉन्स्पिरेसी की बात मालूम पड़ी थी। इसी के बाद से आलोक और ज्योति मौर्य के बीच मनीष दुबे को लेकर झगड़े शुरू हो गए थे। पति पत्नी के इस झगड़े को आलोक तब तक पब्लिक फोरम में नहीं लाया जब तक कि आलोक को अपने मर्डर की कॉन्स्पिरेसी की थ्योरी की जानकारी नहीं मिली थी। और आलोक को जब ये बात पता चली तब आलोक ने मुख्यमंत्री के जनता दरबार में शिकायत लगाई और डीजी होमगार्ड से लिखित में शिकायत दर्ज करवाई। ज्योति मौर्य केस में एक नया खुलासा हुआ है। ये खुलासा मनीष दुबे को लेकर है। दरअसल कहा जा रहा कि मनीष दुबे सिर्फ गाजियाबाद के गेस्ट हाउस में ही नहीं बल्कि प्रयागराज के तमाम होटल्स में भी ज्योति मौर्य के साथ जाते थे। ज्योति मौर्य के साथ उनका संबंध साल 2020 से ही था। इस बात की भनक आलोक मौर्य को तब लगी जब उसने ज्योति मौर्य और आलोक को एक होटल में जाते हुए देखा था। इसके बाद उसने विरोध किया लेकिन उस विरोध पर कोई जवाब नहीं मिला। वो लगातार इस रिश्ते को आगे बढ़ते हुए देख रहा था, लेकिन उसका गुस्सा तब फूटा जब उसके हाथ वो व्हाट्सएप चैट लगा जिसमें उसे रास्ते से हटाने की एक प्लानिंग दिखी। कहा यह जा रहा है कि आलोक मौर्य जो है इसके बाद बेहद डर गया। उसे लगा कि उसके जान को खतरा है। ज्योति और मनीष उसे रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या करा सकते हैं, लिहाजा वो सीएम योगी के दरबार पहुंचा, उसने गुहार लगाई, उसके बाद ही मामला कोर्ट तक पहुंचा है। आलोक मौर्य के वकील ने हमसे बातचीत के दौरान आलोक का पक्ष रखा और इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कई खुलासे भी किए। हमने जब मनीष और ज्योति के गेस्ट हाउस में मिलने की बात को लेकर सवाल पूछा तो सुनिए उन्होंने क्या कहा।
जो आपके वकील की पत्नी है, वो और मनीष दुबे जो रिलेशन में थे और प्रयागराज और बाहर के होटल्स में मुलाकात करते थे, बकायदा उसके सबूत भी आपके मौके पर सबमिट किए गए हैं। जी जी, आलोक ने बताया था कि हमने कुछ सबूत दिए हैं और उस सबूत के आधार पर ही यह कार्रवाई हो रही है, क्योंकि दो तीन चीजें मीडिया के माध्यम से ही निकल करके आई हैं कि ये बिना छुट्टी लिए रहते थे और कई बार कुछ लोगों ने सवाल किया कि भैया जिस होटल में रुकते थे उनका क्या है, तो सोशल मीडिया पर उसका बिल भी चल रहा है कि अभी 5,000 समथिंग का बिल है कि इस होटल में रुके थे, उस दिन भी उनकी छुट्टी नहीं लगी थी, इनका आईडी लगी हुई है उसमें। तो ऐसी एक घटना का तो अभी जिक्र हुआ है, हो सकता है कि सिक्रेसी के कारण अन्य होटल वाले भी न दिए, 3-4 होटल की ऐसी चर्चा है और आलोक ने बताया था कि ऐसी घटनाएं हुई हैं, तो हमें लग रहा है कि विभागीय कार्यवाही में मनीष दुबे बचेंगे नहीं, क्योंकि बिना छुट्टी लिए ये तो, और वो भी बड़े अधिकारी का, इतने बड़े पोस्ट कमांडेंट का होना, तो ये तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है डिपार्टमेंट पे और इनकी लापरवाही पे। तो हमें लग रहा है कि मनीष के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। आलोक मौर्य के एडवोकेट हृदयलाल मौर्य का दावा है कि आलोक को जब से मर्डर कॉन्स्पिरेसी की बात पता चली तभी से आलोक मेंटली फ्रस्ट्रेटेड रहने लगा। आलोक करीब 2 साल से ज्योति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर परेशान है। आलोक मौर्य के वकील का दावा है कि ना सिर्फ उसके मुवक्किल की हत्या के लिए प्लानिंग की गई बल्कि उससे पहले उसे झूठे केस में फंसाने की कोशिश भी की गई। इसके लिए बकायदा थाने में कुछ बड़े ही प्रभावशाली लोगों ने फोन किया और कहा कि उसे किसी झूठे मामले में फंसा कर जेल भेज दो। बात इससे नहीं बनी तब उन्होंने बकायदा उसके विभाग में झूठे शिकायती पत्र डालकर उसे नौकरी से हटवाने की कोशिश भी की। जाहिर सी बात है जब बात इसके बाद भी नहीं बनी तो फिर उसके खिलाफ हत्या की साजिश की गई जिसकी व्हाट्सएप चैटिंग उसके हाथ लग गई। कहा यह जा रहा है कि अभी भी उसके ऊपर खतरा बना हुआ है। मनीष दुबे के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक आलोक जो है वो खतरे में ही है। आलोक के एडवोकेट हृदयलाल मौर्य का दावा है कि आलोक की जान को अब भी खतरा है। अभी थोड़े दिन पहले ही आलोक के ठिकाना बदलने की खबर सामने आई थी। ये भी पता चला था कि आलोक ने कोर्ट केस का हवाला देकर अपनी नौकरी से छुट्टी ली थी। आलोक अभी लीव पर है लेकिन आलोक के वकील के इस दावे के बाद से कुछ सवाल सामने आ रहे हैं। तो क्या आलोक इसी वजह से अंडरग्राउंड है? क्या इसी वजह से आलोक ने लीव अप्लाई करके छुट्टी ली? क्या आलोक को कोई खतरा लग रहा है? क्या इसी वजह से उनका मोबाइल बंद है? आलोक मौर्य की तलाश हम पिछले 2 दिनों से कर रहे हैं, प्रतापगढ़ से लेकर प्रयागराज तक, और लगातार कॉल भी कर रहे हैं। देखिए इस वक्त भी उनको हम कॉल कर रहे हैं और ये जो कॉल है वो उठ नहीं रहा, यानी कि आलोक मौर्य जो है वो किसी भी कॉल का जवाब नहीं दे रहे, चाहे कोई भी कॉल करे। हमने भी उन्हें कल से लेकर अब तक करीब 100 कॉल किए होंगे, तमाम उनके रिलेटिव्स, उनको जानने वाले जहां वो नौकरी करते हैं, तमाम लोग उन्हें कॉल कर रहे हैं लेकिन वो किसी के कॉल को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। घंटी जाती है लेकिन फ़ोन नहीं उठता। दरअसल उनके वकील का दावा है कि आलोक मौर्य जो है वो डरे हुए हैं, उनकी जान को खतरा है, इसीलिए वो न किसी से मिल रहे हैं न किसी से मिलना चाहते हैं। हमें जानकारी मिली कि उन्होंने अपने ऑफिस से जहां वो काम करते हैं प्रतापगढ़ में, वहां से भी उन्होंने छुट्टियां ली हुई हैं। प्रयागराज में होने की खबर थी लेकिन हम वहां ही पहुंचे और वहां भी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। तमाम जो उनके लोग जानने वाले हैं उनके जरिए भी उन तक पहुंचने की कोशिश की गई लेकिन किसी को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो क्या आलोक मौर्य ने इसी डर की वजह से अपना ठिकाना बदल लिया है? क्या अपनी जान को खतरा है, इसी वजह से वो किसी के कॉल को रिसीव नहीं कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे? ये तमाम सवाल है क्योंकि आलोक मौर्य अब एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो किसी के सामने नहीं आ रहे हैं। उनके वकील का दावा था कि जिन लोगों ने उन्हें झूठी केस में फंसा कर जेल भजवाने की कोशिश की, उनकी नौकरी को ख़त्म करने की कोशिश की, जिन्होंने उन्हें उसे मारने की एक तरह से कॉन्स्पिरेसी की, वो तमाम लोग बाहर हैं, उन पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है, लिहाजा उनकी जान को खतरा है। आलोक और ज्योति को लेकर सोशल मीडिया पर तमाम दावे किए जा रहे हैं, कई ऑडियो क्लिप और चैट्स वायरल हो रही हैं। हमने आलोक के वकील से भी इन वायरल चीजों पर सवाल पूछा। इस सवाल के जवाब में बड़ा खुलासा हुआ है। कुछ एविडेंसेस इस बात को लेकर दिए हैं कि उनके बीच जो बातचीत होती थी या उनके रिलेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि जो मेन सबूत माना जा रहा है वो कॉल रिकॉर्डिंग को माना गया है। देखिए कॉल रिकॉर्डिंग जो चल रही है सोशल मीडिया में उसमें 90% फेक ही हैं, आपको क्योंकि वो आवाज़ मैं भी पहचानता हूं दोनों की, तो वो आवाज़ है नहीं, कुछ एक हो सकता है कहीं से, क्योंकि किसी ने कॉल रिकॉर्डिंग दी नहीं है।
लेकिन जो आलोक का कंसर्न है, आलोक का कंसर्न यह है कि जो उसको धमकी दी गई थी कि आप डाइवोर्स दे दो, आलोक नहीं कहा है मीडिया के माध्यम से कि आप डाइवोर्स दे दीजिए नहीं फिर आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा। और चैटिंग में भी आई है, चैटिंग तो है ओरिजिनल जो चल रहा है वो सही है कि चैटिंग में कि रास्ते से हटा दे क्या, तो ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये तो एक अपराध बनता है। और इस अपराध में हमें लग रहा है हत्या के साजिश में अपराध में आलोक को जेल हो सकती है और होनी चाहिए। आलोक ने होमगार्ड डिपार्टमेंट की जांच कमेटी को अपनी कंप्लेन कॉपी के साथ साथ कई एविडेंस भी सौंपे। इसमें एसडीएम ज्योति मौर्य की डायरी के कुछ पन्ने, ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप और चैट्स के स्क्रीनशॉट दिए हैं। इन्हीं के आधार पर जांच कमेटी ने मनीष दुबे के सस्पेंशन की बात सरकार से कही है। मतलब सस्पेंड होंगे ही होंगे क्योंकि जांच जो गई है उसमें सत्यता पाई गई है तभी जांच हुई है। और अगला स्टेप ये होना चाहिए कि प्रॉपर जल्दी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके इनको टर्मिनेट कर दिया जाए, क्योंकि जो चीज़ें ग्राउंड बनाई गई हैं उसके अलावा भी अभी 12 होमगार्ड्स आए हैं जिन्होंने आरोप लगाए हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया में, उन्होंने कहा कि ये करप्ट हैं, ये पैसा वसूलते थे, और उसके अलावा जो करेक्टर का भी, उनके करेक्टर पर भी उन होमगार्डों ने सवाल उठाया है, कहा है कि ये इस तरीके के थे। तो हमें लग रहा है कि सरकार को, खासकर प्रशासन को जल्दी इन्वेस्टिगेशन करके और इनको टर्मिनेट करना चाहिए ताकि कम से कम आलोक के साथ न्याय हो। आलोक के वकील ने हमें ये भी बताया कि ज्योति छुट्टी न मिलने का बहाना करते हुए जांच कमेटी के सामने पेश नहीं हुई, लेकिन डीआईजी होमगार्ड संतोष कुमार सुचारी को अपना लिखित बयान दिया। इस बयान में मनीष दुबे के साथ रिश्ते और व्हाट्सएप चैट की बात एक्सेप्ट की। इस बयान में ज्योति ने आलोक और उनके परिवार पर प्रताड़ित करने और पैसों की डिमांड की भी बात कही। तलाक के केस की जानकारी भी उन्होंने अपने बयान में दी। आलोक के वकील का कहना है कि आलोक मनीष दुबे की वजह से इस कदर परेशान है कि वो अब किसी भी कीमत पर मनीष दुबे को माफ करने को तैयार नहीं है। आलोक की माने तो मनीष दुबे ही उनकी कहानी का असली विलन है, और आलोक की डिमांड है कि मनीष दुबे पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एसडीएम ज्योति मौर्य क्राइम इन पार्टनर है, तो एक्शन उन पर भी होगा। अगर ये मनीष के खिलाफ ये मामला बनता है तो वही आरोप, वही एलिगेशन, वही सेक्शन तो ज्योति के खिलाफ ही बन जाएगा, क्योंकि वो भी चैट कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, चैट में उन्होंने मना नहीं किया है, और सहमति भी जो आई है चैट उसमें दिखा नहीं है सहमति, लेकिन वो मौन सहमति होती है ना, कि अगर किसी ने किसी को कहा कि मार दें और आप बोले नहीं, इसका मतलब आपकी सहमति है। तो अपराध के सह अभियुक्त ज्योति जी हैं, हमें ऐसा लगता है कि ज्योति जी को सह अभियुक्त बनाया जाना चाहिए इस मामले में। ज्योति, आलोक और मनीष दुबे की कहानी एक्शन, ड्रामा और सस्पेंस से भरपूर है। कहानी के कैरेक्टर्स का आम पब्लिक से कनेक्ट है, इसीलिए स्टोरी की रीच भी ज्यादा है, अपील उससे भी ज्यादा, और डिमांड तो सबसे हाई है। हमारी टीम लगातार मामले की पड़ताल कर रही है। मनीष दुबे और ज्योति मौर्य के रिश्तों को लेकर जो खुलासे हुए हैं उसका इंपैक्ट ज्योति के गांव पर भी पड़ा है। 15 ही दिन पहले जो गांव वाले ज्योति और उनके परिवार का साथ दे रहे थे, आज वही गांव वाले ज्योति के परिवार के खिलाफ होते जा रहे हैं। उनकी सोच अब बदलने लगी है। जिस बेटी को चिराई गांव के लोग सिरमाथे पर बैठाते थे, जिसके एसडीएम बनने पर पूरा गांव इतराता था, जिसकी कामयाबी पर लोग झूमते थे, आज उसी गांव के लोग शर्मिंदा हैं। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के विवाद के बाद अब चिराई गांव के लोगों को भारी जलालत का सामना करना पड़ रहा है। जलालत भी कुछ इस कदर कि दूसरे गांव के लोग चिराई गांव की बेटियों को संदेह भरी नजरों से देख रहे हैं। खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि लोग अब चिराई गांव की बेटियों से शादी करने को तैयार नहीं हैं। न सिर्फ बेटियां ही नहीं बल्कि बेटों की भी शादी चिराई गांव में करने से कतरा रहे हैं। तो सवाल इसी बात का है कि क्या एक ज्योति मौर्य की गलती पूरे गांव को भुगतना पड़ रहा है, और शायद यही कारण है कि अब गांव के लोगों का गुस्सा भी धीरे धीरे बढ़ने लगा है। हमारी पड़ताल के दौरान हमें गांव वालों ने कुछ तस्वीरें दिखाई। तस्वीरें 6 मार्च 2016 की हैं, मतलब उस वक्त की जब ज्योति मौर्य का यूपीपीसीएस का एग्जाम क्लियर हुआ था। एसडीएम बनने के बाद वाराणसी के चिराई गांव में ज्योति मौर्य के सम्मान में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, टेंट लगाया गया, पूरे गांव को बुलाया गया, और फिर गांव वालों ने मिलकर इस गांव की बेटी का सम्मान किया। ज्योति मौर्य को स्मृति चिन्ह भेंट के तौर पर दिया गया। इस दिन पूरे गांव ने खुशियां मनाई थी। ज्योति चिराई गांव के लिए एक रोल मॉडल की तरह थी। ज्योति एक आदर्श बहू, अच्छी पत्नी और उतनी ही अच्छी बेटी थी। अब हम आपको 7 जुलाई की वो रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें आलोक मौर्य के आरोपों के बाद ज्योति के गांव वाले कैसे ज्योति के परिवार के साथ खड़े थे। वो आलोक के आरोप को गलत बता रहे थे। उनका कहना था कि आलोक का परिवार पैसों के लिए ज्योति मौर्य को
नाम कर रहा है। लोगों का ये कहना है कि अगर ज्योति मौर्या इतना ही वसूली करती तो कम से कम अपना जो उनका मायका है जहां पे उन्होंने जन्म लिया, जहां पे उन्होंने पढ़ाई की, उसकी तो कम से कम हालत सुधरवा देती। देखिए एक छोटा सा घर है, बमुश्किल से कहा यह जा रहा है कि ये जो घर है वो नजूल की जमीन पर बना हुआ है, लिहाजा इसको भी कभी भी किसी भी वक्त इसको ध्वस्त किया जा सकता है। नोटिस भी आ चुकी है, बावजूद इसके परिवार के जो लोग हैं, जो गाँव के लोग हैं, वो ज्योति मौर्या के साथ हैं। वो जहां तक है वो उनके पति और वो जाने, ठीक है, आप भी नहीं जान सकते अंदरूनी बात। दोनों लोग तो सफाई दे रहे हैं कि हमारा जो मीटर कोर्ट में गया है, ठीक है, उतना दिन तक उनके पति जो इतना काला चिट्ठा दिखा रहे हैं 6 लाख का, ये जब से डीएम बनी उसके एक डेढ़ महीने पहले भी दिखा देना चाहिए कि मेरी पत्नी क्या नाम घूस ले रही है। और तब तक तो वो ले रहे थे, जब उनको नहीं मिल रहा है, जब उनको ऐसा लग रहा है कि हमें पैसा नहीं मिल रहा है, तब वो काला चिट्ठा दिखा दिए हैं। अब बताइए दिखा रहे हैं कि नहीं, आप ही लोग सोचिए, जब तक एडीएम थी, जब तक उनको पैसा मिल रहा था, तब तक तो उनका काला चिट्ठा कोई नहीं दिखा रहा कि 6 लाख रुपए महीने ये घमन करती है। तेज थी, मेहनती थी, ईमानदार भी थी, लेकिन अब पिक्चर बदल गई है। एसडीएम ज्योति मौर्य के अफेयर की खबरों ने गांव की इमेज को डैमेज किया है। चिराई गांव के लोगों का कहना है कि अब लोग उनके गांव में शादी करने से कतराने लगे हैं। गांव की बेटियों को ज्योति मौर्य के साथ कंपेयर किया जा रहा है। को क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा, किस तरीके की परेशानी है, जो घर की जो गांव की बेटियां हैं उनको क्या परेशानी हो रही है? शादी ब्याह की बात है, अब कोई हमारे गांव में कोई शादी ब्याह के लिए अब जल्दी कोई नहीं आता है। अब जैसे यहाँ पे कभी हमारे चाचा जी के एक लड़के पुलिस विभाग में है, अब वो खुद कर रहे थे कि हम अपना जो है बेटी का शादी ऐसे व्यक्ति लड़की से करेंगे जो हाई स्कूल इंटर पढ़ी रहे, ना हमको ISBC हमको लड़की कोई नहीं चाहिए। अब हमारे गांव में है कि देखिए कोई भी आ रहा है तो जल्दी ये करा भैया फलाना चिराई गाँव में ब्याह मत करो, यहाँ मत करो, वहाँ मत करो, तो बताइए आज ये स्थिति है कि नहीं। इस समय ऐसा था कि हमारा गाँव आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हर चीज में आगे था, इसीलिए आज हम लोग का स्थिति ये हो गया है कि आज हम लोग एकदम न घर को हैं न घाट के हैं। और इस बात का है कि गांव की बेटियों को लेकर जब रिश्ते होंगे, रिश्ते के लिए जाएंगे या फिर जो लोग जा रहे हैं उनको समस्या आ रही है। हाँ हाँ ये हो रहा है। क्या अरे अभी हम लोग जा रहे हैं जहाँ शादी की बात अभी किए थे, एक लड़की हमारी शादी की जो हम फार्मा कर चुकी है, तो लोग पूछ रहे थे भैया आप ही के गाँव की बात है न कि हाँ भाई कोई नदानी एक ठो कर दिया, जरूरी नहीं कि सब पूरा गांव ही इस नदानी में हो। दरअसल ये जो चिराई गांव वाला मामला है ये हमारे संज्ञान में है कि यहाँ पे ये जो लड़की थी बहुत नाम रोशन की थी, लोगों पुरस्कृत किए थे पूरे गांव में, सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा था, लेकिन अब कहीं ये जो इलाहाबाद की मुद्दा जो बढ़ रहा है उसमें लड़कियों को पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, गाँव की लड़कियों को दिक्कत। हाँ बिल्कुल दिक्कत हो रहा हुआ, अब वो जाएंगी तो पूछा जाएगा कि कहाँ से हो, चिराई गांव से, खिल्लियां उड़ाया जाएगा, ये चीज जो है ना ये गलत इम्प्रेशन डालेगी। लेकिन एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमारी अपील है कि ऐसा करना गलत है, किसी से किसी की तुलना गलत है, और जब मामला कोर्ट में है तो फिर इस तरीके का रिएक्शन और पूरे गांव की बेटियों पर सवाल उठाना गलत है। दूसरी तरफ आलोक और ज्योति के डायवोर्स केस की फाइल ओपन हो चुकी है, मामला प्रयागराज की फैमिली कोर्ट में है। हालांकि अब भी आलोक मौर्य अपनी पत्नी से सेटलमेंट की कोशिश कर रहे हैं, पूरा मामला एसडीएम ज्योति के फैसले पर डिपेंड करता है। आलोक मौर्य अभी भी अपने रिश्तों को वापस पटरी पर लौट जाने की उम्मीद रखता है, उसको लगता है कि अगर ज्योति उसके पास दोबारा आती है तो उसे माफ कर सकता है, लेकिन वो मनीष दुबे को किसी भी कीमत पर माफ करने के लिए तैयार नहीं है। उसका मानना है कि मनीष ने जो किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए। वो ये चाहता है कि उसका परिवार यानी उसकी पत्नी और बच्चे वापस उसके पास लौट जाएं तो वो उन्हें माफ कर देगा, उन्हें अपना लेगा। जाहिर सी बात है इसी के लिए वो लगातार कोशिशें भी कर रहा है। खबर ये है कि उसने बकायदा ज्योति मौर्य को 2 बार व्हाट्सएप कॉल भी किया, लेकिन ज्योति मौर्य ने उसका कॉल रिसीव नहीं किया। खबर ये है कि ज्योति मौर्य अब इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं लगती। वाराणसी से आशुतोष, प्रयागराज से विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।